हे वेलकम बैक एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दिस इज अमेजिंग क्लास फॉर यू एंड मैं आपसे नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन की बात करता हूँ। मैं आपसे बात करता हूँ आपके ट्रू लाइफ के बारे में। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ, तो मेरी इन बातों को समझिए। जस्ट थिंक अबाउट यू कि आप क्या हैं। जस्ट थिंक आप क्या हैं। यू आर अ सिंपली प्रोडक्ट ऑफ योर सोसाइटी। मतलब कि आज के इस टाइम पर आपके जो थॉट्स हैं, आपके बोलने के तरीके हैं, आपके जो बिहेवियर के तरीके हैं, एक बार सोचो वो कहाँ से मिले हैं। सोचो उसके बारे में। जो लैंग्वेज आप बोलते हैं, सोचिए उसके बारे में कि वो लैंग्वेज कहाँ से सीखी है। सोचिए, जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये सब कुछ आपके आपके सोसाइटी का, आपके कल्चर का आपके ऊपर इम्पैक्ट है। अब बात ये है कि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हम अपने आप को उससे अलग नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमने एक लंबा समय वहाँ पर बिताया होता है। और जब भी आप आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नया करना चाहते हैं, आपके सोसाइटी के लोग अपने उन एक्सपीरियंस के बेस पर आपको एवेल्यूट करते हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और आप उसकी वजह से अपने आप को रोकते हो और आप उसकी वजह से अपने आप को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं और आप छोड़ देते हैं उन चीज़ों को जो आप करना चाहते हैं। बेसिक सी एक खुद का एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं 8th-9th क्लास में था, तब मैं एक शहर में पढ़ने के लिए गया गाँव से। तो गांव में जो बोलने का तरीका होता है वो अलग होता है और शहर का अलग होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब मैं शहर में था तो मैं भी वहाँ पे गांव की तरह ही बोलता था, और वहाँ पर किसी ने मेरे से बोला कि यार तुम कैसे बात करते हो, मतलब तुम्हें अच्छे से बोलना सीखना चाहिए। अच्छे से बोलना सीखने का मतलब है कि हमारी भाषा में सरल और सहजता होनी चाहिए। तो मैंने उसको सीखना शुरू किया, लेकिन जब मैं गाँव गया और मैंने उसी लैंग्वेज को, जो अच्छी लैंग्वेज कह सकते हैं, जो सरल और सहज लैंग्वेज थी, उसको जब मैंने गांव में बोला, तब लोगों ने बोला आहा, मतलब 4 दिन से शहर पहुंच गए हो और इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया हो। ऐसा लोग बोलते थे। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। सो माय पॉइंट इज़ दैट कि उस टाइम पे केवल मैंने ये सोचा कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, आगे चल के मुझे बड़ा जॉब करना है, आगे चल के मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बोलना सीखना है, अपनी बात लोगों तक पहुँचानी है। तो मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक समय तक मुझे लगा था कि यार ये लोग ऐसे बोल रहे हैं तो मुझे नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी चीज़ों को नहीं रोका। सो इन रियलिटी आज मैं बोलना जानता हूँ, आज मैं जानता हूँ कि अपने मैसेज को कैसे पहुँचा सकता हूँ। सो ये बातें शेयर करने का उद्देश्य ये है कि अगर आप भी अपने लाइफ में ऐसे कहीं अटके हुए हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट। अभी आप क्या हैं, क्या बकाया है, क्या लर्निंग करनी है आपको आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आप जब भी कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ऑब्स्टेकल आ जाती है, बाधा आ जाती है कि यार ऐसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। दिस इज ओनली योर मेंटल थॉट्स, केवल आपके थॉट्स की वजह से होता है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है कि आप आगे चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। सो आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको भी लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, मुझे मैसेज कीजिए। आप, इट्स माय प्रॉमिस कि आप मेरे से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके खुद के मेंटल थॉट्स ने और वो आपके मानसिक विचार जो सोसाइटी से आपको मिले हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रोक के रखा है। इट्स माय प्रॉमिस, बिकॉज इन रियलिटी आई चेंज्ड माय सेल्फ, आई इम्प्रूव्ड माय सेल्फ एंड मैंने लोगों को भी इम्प्रूव किया है। सो इट्स फॉर योर बेनिफिट। आप सोचिए अपनी चीज़ों के बारे में कि जो भी थॉट्स आते हैं कहाँ से आते हैं, है ना। अगर मैं पास्ट की बात करूँ, आप इतिहास में उठा के देख लो, वही लोग आज इस दुनिया में कायम हैं, उन्हीं का नाम है जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी सोसाइटी से थोड़ा सा हट के काम किया था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोसाइटी के विरोध में चले जाओ, लेकिन उन छोटी छोटी बातों को जिसकी वजह से आप अपने आप का एवोल्यूशन नेगेटिवली करते हैं, उन चीज़ों के लिए तो हमें सोसाइटी से अलग होना पड़ेगा ना। क्योंकि आप जब तक नहीं होंगे, आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इट्स जोवियल लाइफ प्लेटफॉर्म, आप मेरे साथ जुड़े रहें, और इट्स माय प्रॉमिस कि आप मेरे साथ जुड़े, मेरे से बात करें, आपको बहुत कुछ इम्प्रूव होगा, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। सो थैंक यू
और मेरे से आप जुड़ते रहें। कमेंट कीजिए, अपनी बात पूछिए, मैं आपके साथ हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ।